क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती यानी ह्यूमन कॉलोनी बसाने के लिए शुरुआत में कितने लोगों की जरूरत है? इस बड़े सवाल का जवाब मिल गया है। एक नई स्टडी के अनुसार मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा लोगों की कॉलोनी बसाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतने ही लोग चाहिए जो वहाँ रह सके, काम कर सके और जिनकी वहाँ रहने की उपयोगिता साबित हो। ये स्टडी की है फ्रांस के बॉटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर जीन मार्क सलोटी ने। प्रोफेसर जीन ने इस सवाल का जवाब गणितीय फॉर्मूले से खोज निकाला है। जीन ने कहा, ये फॉर्मूला अब तक बेहतरीन जवाब है ये बताने के लिए कि मंगल पर कितने लोग रह सकते हैं। जीन ने बताया, मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा लोगों को ले जाकर बसाने की जरूरत नहीं है। जीन के अनुसार सिर्फ 110 लोगों को मंगल पर ले जाकर बसाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो भी रहेगा उसे कुछ न कुछ बेहद जरूरी काम करने होंगे ताकि समय और स्रोत का सही विभाजन हो सके। प्रोफेसर जीन मार्क सलोटी का कहना है कि कई अंतरिक्ष कंपनियां जैसे कि स्पेस एक्स ऐसे रॉकेट बना रही है जो एक साथ कई इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचा सके। अगर किसी को मंगल ग्रह पर जाकर इंसानी बस्ती बनानी है तो उसे वहाँ की गणित, मौसम और काम के अनुसार चलना होगा, नहीं तो वहाँ सर्वाइव करना बेहद कठिन हो जाएगा। प्रोफेसर जीन ने बताया कि मंगल ग्रह पर इतने लोगों के रहने के लिए बहुत बड़ा डोम यानी गुंबदनुमा आकृति बनानी होगी, जिसमें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। इसी डोम के अंदर कृषि और उद्योग दोनों ही लगाने होंगे ताकि खाना और काम दोनों एक ही जगह पर मिल सके। प्रोफेसर जीन ने कहा, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि मंगल ग्रह पर रहने के लिए कम से कम 110 लोगों की जरूरत है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।